सुरैज बिन यूनुस और याकूब दौरकी ने कहा, हुशैम ने हमें सैयार के वास्ते से शुअबी से हदीस सुनाई और उन्होंने हजरत जरीर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम सुनने और इताअत करने पर बैत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये कहलवाया, जहां तक तुम्हारे बस में होगा और हर मुसलमान के साथ खैरखाही पर। याकूब ने अपनी रिवायत में कहा, हमें सैयार ने हदीस सुनाई, यानी याकूब ने बराह रास्त सैयार से भी ये रिवायत सुनी और हुशैम के वास्ते से भी, लफ्ज वही थे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 201। यूनुस ने इब्ने शिहाब से खबर दी, उन्होंने कहा, मैंने अबू सलामा बिन अब्दुर्रहमान और सईद बिन मुसैयब से सुना, दोनों कहते थे कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानी जिना नहीं करता कि जब जिना कर रहा हो तो वो मोमिन हो, चोर चोरी नहीं करता कि जब चोरी कर रहा हो तो वो मोमिन हो, शराबी शराब नहीं पीता कि जब शराब पी रहा हो तो वो मोमिन हो। इब्ने शिहाब ने बयान किया कि अब्दुल मलिक बिन अबी बकर बिन अब्दुल रहमान ने मुझे खबर दी कि उसके वालिद अबू बकर उनके सामने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से ये सब बातें रिवायत करते फिर कहते, और अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु उनमें ये बात भी शामिल करते थे कि किसी बड़ी कदर व कीमत वाली चीज को जिसकी वजह से लोग लूटने वाले की तरफ नजर उठाकर देखते हों वो नहीं लूटता कि जब लूट रहा हो तो वो मोमिन हो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 202। उकैल बिन खालिद ने हदीस सुनाई कि इब्ने शिहाब ज़ोहरी ने कहा, मुझे अबू बकर बिन अब्दुल रहमान बिन हारिस बिन हिशाम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से खबर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानी जिना नहीं करता, फिर गुज़श्ता हदीस की तरह बयान किया जिसमें लूट का जिक्र तो है लेकिन कदर व मंजिलत वाली चीज के अल्फाज नहीं। इब्ने शिहाब ज़ोहरी ने कहा, मुझे सईद बिन मुसैयब और अबू सलामा बिन अब्दुल रहमान ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस सुनाई जिस तरह अबू बकर की रिवायत है लेकिन उसमें लूट का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 203। ओज़ाई ने ज़ुहरी से हदीस बयान की, उन्होंने इब्ने मुसैयब अबू सलामा और अबू बकर बिन अब्दुल रहमान बिन हारिस बिन हिशाम से और उन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत बयान की जिस तरह उकैल ने ज़ुहरी से हदीस बयान की और उसमें लूट का तज़किरा किया लेकिन क़द्र व क़ीमत वाली चीज के अल्फाज नहीं कहे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 204। सफवान बिन सुलैम ने हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा के आजाद करदा गुलाम अता बिन यसार से और हुमैद बिन अब्दुल रहमान से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 205। कुतैबा बिन सईद, अब्दुल अजीज दरावर्दी, अला बिन अब्दुल रहमान ने अपने वालिद से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 206। मामर ने हमाम बिन मुनब्बे से, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। उन सब यानी सफवान, अला और मामर की रिवायत 205 तो 207, इमाम ज़ुहरी की रिवायत 204 के मानिंद है। अलबत्ता अला और सफवान की बयान करदा हदीस रिवायत 205 और 206 में जिसकी तरफ से लोग नजर उठाते हैं कि अल्फाज मौजूद नहीं, और हमाम की रिवायत के अल्फाज इस तरह है, मोमिन लोग उस चीज की कदर व कीमत की बिना पर उसकी तरफ से अपनी नजरें उठाते हैं और वो लूटते वक्त मोमिन नहीं होते। और मामर ने यह इजाफा भी किया है, और तुम में से कोई खयानत नहीं करता कि जब खयानत कर रहा हो तो वो मोमिन हो, लिहाजा तुम इन तमाम कामों से बचो, तुम बचो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 207। शुअबा ने सुलेमान से, उन्होंने ज़कवान से
اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب وہ پی رہا ہو تو مومن ہو، اور ان کو بعد میں توبہ کا موقع دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 208۔ سفیان نے سلیمان اعمش کے حوالے سے خبر دی کہ زکوان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا کہ جب وہ زنا کر رہا ہو۔ آگے سفیان نے شعبہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 209۔ عبداللہ بن نمیر اور سفیان نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار عادتیں ہیں، جس میں وہ چاروں ہوں گے وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے۔ وہ چار یہ ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ البتہ سفیان کی روایت میں خلہ کے بجائے خصلہ کا لفظ ہے، معنی وہی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 210۔ نافع بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 211۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں حرقہ کے آزاد کردہ غلام علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے اپنے والد سے خبر دی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 212۔ یحییٰ بن محمد بن قیس ابو زکیر نے کہا، میں نے علا بن عبد الرحمن کو اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا، منافق کی علامات تین ہیں: چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 213۔ حماد بن سلامہ نے داؤد بن ابی ہندہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، جو یحییٰ بن محمد کی علا سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہے، اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں: خواہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 214۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 215۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کفر کی اس نسبت کے ساتھ لوٹے گا، اگر وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے کہا تو ٹھیک، ورنہ یہ بات اسی کہنے والے پر لوٹ آئے گی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 216۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ الزام اسے کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 217۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو یہ عمل کفر ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 218۔ خالد نے ابو عثمان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نسبت یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا تو میں جناب ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور پوچھا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 219۔ عاصم نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے، یہ بات میرے دونوں کانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے یاد رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 220۔ محمد بن طلحہ، سفیان اور شعبہ تینوں نے زبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ زبیت نے کہا، میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے خود سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ شعبہ کی روایت میں زبیت کے ابو وائل سے پوچھنے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 221۔ منصور اور اعمش دونوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 222۔ ابو زرعہ یعنی حرم بن عمر بن جری بن عبداللہ البجلی نے اپنے دادا حضرت جری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا، لوگوں کو چپ کراؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 223۔ معاذ بن معاذ نے شعبہ سے، انہوں نے واقد بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 224۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہم سے شعبہ نے واقد بن محمد بن زید سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کرتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، تم پر افسوس ہوتا ہے، یا فرمایا تمہارے لیے تباہی ہوگی، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 225۔ عبداللہ بن وہب نے کہا، ہمیں عمر بن محمد نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح شعبہ نے واقف سے بیان کی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو باتیں ہیں، وہ دونوں ان میں کفر کی بقیہ عادتیں ہیں، کسی کے نسب پر تانت کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔
सही मुस्लिम हदीस नंबर 227। मंसूर बिन अब्दुल रहमान ने शौबी से रिवायत की, उन्होंने कहा कि मैं जरीर रजी अल्लाह अन्हु को कहते हुए सुना, जो गुलाम अपने मालिकों से भाग गया उसने कुफर का इर्तिकाब किया यहां तक कि उनकी तरफ लौट आए, ना ये कि दोबारा मुसलमान हो। मंसूर ने कहा, अल्लाह की कसम यह हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है, लेकिन मैं नापसंद करता हूं कि यहां यानी बसरे में मुझसे ये इस तरह मरफूअन रिवायत की जाए, क्योंकि बसरा के खारजी इससे मुतलक कुफर का इस्तेदलाल करेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 228। दाऊद ने शौबी से, उन्होंने हजरत जरीर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुलाम भगोड़ा हो गया हो तो उसके तहफ्फुज़ से इस्लामी मुआशरे और हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म हो गई। सही मुस्लिम हदीस नंबर 229। मुगीरा ने शौबी से रिवायत की, उन्होंने कहा, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया करते थे, जब गुलाम भाग जाए तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती, यानी जिस तरह हराम खाने वाले की नमाज कबूल नहीं होती। सही मुस्लिम हदीस नंबर 230। हजरत जैद बिन खालिद जोहनी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर रात को होने वाली बारिश के बाद हमें सुबह की नमाज पढ़ाई, जब आपने सलाम फेरा तो लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, क्या तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, आज मेरे बंदों में से कोई मुझ पर ईमान लाने वाला और कोई मेरे साथ कुफर करने वाला हो गया, जिसने ये कहा है कि हम पर अल्लाह ताला की फजल और रहमत से बारिश हुई है, तो वो मुझ पर ईमान रखने वाला और सितारे के साथ कुफर करने वाला है, और जिसने कहा कि हम पर फुलां फुलां सितारे के गुरूब और तुलू होने की वजह से बारिश हुई है, तो वो मेरे साथ कुफर करने वाला और सितारे पर ईमान रखने वाला है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 231। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा ने हदीस बयान की कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे रब अज़्ज़ा वजल ने क्या फरमाया? उसने फरमाया, जो नेमत भी मैं बंदों को देता हूं तो उनमें से एक गिरोह से ताल्लुक रखने वाले लोग उस नेमत के सबब से कुफर करने वाले हो जाते हैं और कहते हैं, फुला सितारे ने यह नेमत दी है या फुला फुला सितारों के सबब से मिली है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 232। मोहम्मद बिन सलमा मुरादी ने अपनी सनद से और अमर बिन सवाद ने अपनी सनद से अमर बिन हारी से रिवायत की, उन्होंने कहा, हमें हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के आजाद करदा गुलाम अबू यूनुस ने सैयदुना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हुए हदीस सुनाई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आसमान से बरकत यानी बारिश नाजिल नहीं करता, मगर लोगों का एक गिरोह उसके सबब से काफिर हो जाता है, बारिश अल्लाह ताला ही उतारता है, लेकिन ये लोग कहते हैं फुला फुला सितारे के बाइस उतरी है, और मुरादी की रिवायत के ये अल्फाज हैं, फुला फुला सितारे के बाइस उतरी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 233। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों को बारिश से नवाजा गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ शुक्रगुजार हो गए हैं और कुछ काफिर यानी नाशुक्रे। बाज लोगों ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, और बाज ने कहा, फुला फुला नौ यानी एक सितारे का गुरूब और उसके सबब से दूसरे की बुलंदी सच्ची निकली। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, उस पर यह आयत नाजिल हुई, यानी मैं सितारों के गिरने की जगहों की कसम खाता हूं से लेकर इस आयत तक, और तुम अपना हिस्सा यह रखते हो कि तुम उसकी तकजीब करते हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 234। अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की निशानी यह है कि अंसार से दुश्मनी रखे
और मोमिन की निशानी यह है कि अंसार से मोहब्बत रखे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 235। खालिद बिन हारिस ने कहा, हमें शौबा ने हदीस सुनाई, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला से, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है और उनसे बोझ रखना निफाक की अलामत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 236। शौबा ने अदी बिन साबी से रिवायत की, उन्होंने कहा, मैंने हजरत बरा रजी अल्लाह अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हुए सुना कि आपने अंसार के बारे में फरमाया, इनसे मोहब्बत नहीं करता मगर वही जो मोमिन है और इनसे बोझ नहीं रखता मगर वही जो मुनाफिक है। जिसने इनसे मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और जिसने इनसे बोझ रखा अल्लाह उससे बोझ रखता है। शौबा ने कहा, मैंने अदी से पूछा, क्या तुमने ये रिवायत बरा रजी अल्लाह अन्हु से सुनी है? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये हदीस मुझे को सुनाई थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 237। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा आदमी अंसार से बोझ नहीं रखेगा जो अल्लाह ताला और कयामत पर ईमान रखता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 238। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अंसार से बुख्स नहीं रख सकता जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 239। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और रूह को तखलीक किया, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बता दिया था कि मेरे साथ मोमिन के सिवा कोई मोहब्बत नहीं करेगा और मुनाफिक के सिवा कोई बुख्स नहीं रखेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 240। लईस ने इब्ने हाद लईसी से खबर दी कि अब्दुल्ला बिन दिनार ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम सदका किया करो और ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार किया करो, क्योंकि मैंने दोज़खियों में अक्सरियत तुम्हारी देखी है। उनमें से एक दलेर और समझदार औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमें क्या है, दोज़ख में जाने वालों की अक्सरियत हमारी क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लानत बहुत भेजती हो और खावंद का कुफरान नेमत करती हो। मैंने अक्ल व दीन में कम होने के बावजूद अक्लमंद शख्स पर गालिब आने में तुमसे बढ़कर किसी को नहीं देखा। उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अक्ल व दीन में कमी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्ल में कमी यह है कि दो औरतों की शहादत एक मर्द के बराबर है। यह तो हुई अक्ल की कमी। और वो यानी हैज के दौरान में कई रातें और दिन गुजारती है कि नमाज नहीं पढ़ती और रमजान में बेरोजा रहती है, तो ये दीन में कमी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 241। लईस के बजाय बकर बिन मुजर ने इब्ने हाद से इसी सनद के साथ इसी तरह रिवायत की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 242। अयाज बिन अब्दुल्ला ने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सईद मकबूरी ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह रिवायत की जिस तरह हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। नमाज इस्लाम का रुकन है। इसका तर्क पिछली हदीस में जिक्र किए गए मुतअद्दिद गुनाहों से ज्यादा संगीन है। इस पर जिस कुफर का इत्तला किया गया वो उनके कुफर से बड़ा कुफर है, फिर भी इससे तौबा और आइंदा नमाज की पाबंदी से इंसान अच्छा मुसलमान बन जाता है। इसे दोबारा इस्लाम लाने की जरूरत नहीं होती। जो नमाज का मुनकिर है उसे असरेनो इस्लाम लाने की जरूरत है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 243। अबू बकर बिन अबी शैबा और अबू कुरैब ने कहा,
हमें अबू मुआविया ने आमश से हदीस सुनाई, उन्होंने अबू साले से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम सजदे की आयत तिलावत करके सजदा करता है तो शैतान रोते हुए वहां से हट जाता है। वो कहता है, हाय उसकी हलाकत। और अबू कुरैब की रिवायत में है, हाय मेरी हलाकत। इब्ने आदम को सजदे का हुक्म मिला तो उसने सजदा किया, उस पर उसे जन्नत मिल गई। और मुझे सजदे का हुक्म मिला तो मैंने इनकार किया, सो मेरे लिए आग है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 244। वकी ने आमश से इसी सनद के साथ यही हदीस बयान की। फर्क यह है कि वकी ने फअबैतु मैंने इनकार किया के बजाय फअसैतु फलिन्नार यानी मैंने नाफरमानी की तो मेरे लिए जहन्नम मुकद्दर हुई कहा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 245। अबू सुफियान से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु को यह कहते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, बेशक आदमी और शिर्क और कुफर के दरमियान फासला मिटाने वाला अमल नमाज का तर्क है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 246। अबू जुबैर ने खबर दी कि उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से सुना, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, आदमी और शिर्क और कुफर के दरमियान फासला मिटाने वाला अमल नमाज छोड़ना है। इस रिवायत में इन्ना यानी बेशक का लफ्ज नहीं, बाकी वही है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 247। मंसूर बिन अबी मुजाहिम और मोहम्मद बिन जाफर बिन ज़ियाद ने कहा, हमें इब्राहिम बिन साद ने इब्ने शिहाब से हदीस सुनाई, उन्होंने सईद बिन मुसैयब से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल पर ईमान लाना। पूछा गया, फिर इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। पूछा गया, फिर कौन सा? फरमाया, हज मबरूर यानी ऐसा हज जो सरासर नेकी और तकवे पर मबनी और मुकम्मल हो। मोहम्मद बिन जाफर की रिवायत में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान के अल्फाज हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 248। इब्राहिम बिन साद के बजाय मामर ने जोहरी से इसी सनद के साथ यही रिवायत बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 249। हिशाम बिन उर्वा ने अपने वालिद यानी उर्वा से, उन्होंने अबू मुराविह लैसी से और उन्होंने हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा, मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल अफसल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी राह में जिहाद करना। कहा, मैंने फिर पूछा, कौन से गर्दन आजाद करना अफसल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसके मालिकों की नजर में ज्यादा नफीस और ज्यादा कीमती हो। कहा, मैंने पूछा, अगर मैं ये काम ना कर सकूं तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कारीगर की मदद करो या किसी अनाड़ी का काम खुद कर दो। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप गौर फरमाए, अगर मैं ऐसे किसी काम की ताकत ना रखता हूं तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों से अपना शर रोक लो यानी उन्हें तकलीफ न पहुंचाओ, ये तुम्हारी तरफ से खुद तुम्हारे लिए सदका है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 250। हिशाम के बजाय उर्वा बिन जुबैर के आजाद करदा गुलाम हबीब ने साबका सनद से यही रिवायत बयान की। फर्क सिर्फ यह है कि उन्होंने तुईनु सानिहन किसी कारीगर के बजाय फतुईनु सानिह यानी अलिफ लाम के साथ कहा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 251। अबू इसहाक सुलेमान बिन फेरोज कूफी शैबानी ने वलीद बिन आयजार से, उन्होंने साद बिन इयाज अबू आमर शैबानी से
और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल अफसल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। मैंने पूछा, उसके बाद कौन सा? फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। मैंने पूछा, फिर कौन सा? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। मैंने मजीद पूछना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि आप पर गरा न गुजरे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 252। अबू याफूर यानी अब्दुल रहमान बिन उबैद बिन निस्तास ने वलीद बिन ऐजार के हवाले से अबू आम्र शैबानी से हदीस बयान की और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, कौन सा अमल जन्नत से ज्यादा करीब कर देता है? फरमाया, नमाजें अपने अपने औकात पर पढ़ना। मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, और क्या? फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, और क्या? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 253। उबैदुल्लाह के वालिद मुआज बिन मुआज अंबरी ने कहा, हमें शोबा ने वलीद बिन आयजार से हदीस बयान की। उन्होंने अबू आम्र शैबानी को कहते हुए सुना कि मुझे इस घर के मालिक ने हदीस सुनाई और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के घर की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना। मैंने पूछा, फिर कौन सा? फरमाया, फिर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना। मैंने पूछा, फिर कौन सा? फरमाया, फिर अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आपने मुझे ये बातें बताई और अगर मैं मजीद सवाल करता तो आप मुझे मजीद बताते। सही मुस्लिम हदीस नंबर 254। शोबा से उनके एक शागिर्द मोहम्मद बिन जाफर ने इसी सनद से यही रिवायत बयान की और इसमें यह इजाफा किया, अबू अम्र शैबानी ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के घर की तरफ इशारा किया लेकिन हमारे सामने उनका नाम न लिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 255। अबू आमर शैबानी से उनके एक शागिर्द हसन बिन उबैदुल्ला ने यही रिवायत बयान की कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपने फरमाया, सबसे अफजल आमाल या अमल वक्त पर नमाज पढ़ना और वालिदैन से हुस्न सुलूक करना है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 256। मंसूर ने अबू वाइल से, उन्होंने अमर बिन शुरहबील से और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के हां सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओ जबकि तुम्हें उसी अल्लाह ने पैदा किया है। मैंने अर्ज की, वाकई ये बहुत बड़ा गुनाह है। कहा, मैंने पूछा, फिर कौन सा? फरमाया, ये कि तुम इस डर से अपने बच्चे को कत्ल करो कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। कहा, मैंने पूछा, फिर कौन सा? फरमाया, फिर ये कि अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 257। मंसूर के बजाय आमश ने अबू वाइल से साबिका सनद के साथ हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, एक आदमी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हां सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह के साथ कोई शरीक बनाकर पुकारो हालांकि उसी अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। उसने पूछा, फिर कौन सा? फरमाया, ये कि तुम अपने बच्चे को इस डर से कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। उसने पूछा, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। अल्लाह ताला ने इस बात की तस्दीक में ये आयत नाजिल फरमाई, जो लोग अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बनाकर नहीं पुकारते और किसी जान को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम ठहराया है
हक के बगैर कत्ल नहीं करते और जो जिना नहीं करते वही रहमान के मोमिन बंदे हैं, और जो इन कामों का इर्तिकाब करेगा वो सख्त गुनाह की सजा से दोचार होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 258। हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़े गुनाहों की खबर न दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन बार कहा, फिर फरमाया अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना, या फरमाया झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले टेक लगाकर बैठे हुए थे, फिर आप सीधे होकर बैठ गए और इस बात को दोहराते रहे हत्ता कि हमने दिल में कहा काश आप मजीद न दोहराएं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 259। खालिद बिन हारिस ने कहा हमसे शोबा ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें उबैदुल्लाह बिन अबी बकर ने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाहों के बारे में खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी जान को नाहक कत्ल करना और झूठ बोलना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 260। मुहम्मद बिन जाफर ने कहा हमसे शोबा ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा मुझसे उबैदुल्लाह बिन अबी बकर ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा मैंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से सुना, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनाहों का तस्किरा फरमाया या आपसे बड़े गुनाहों के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, किसी को नाहक कत्ल करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह न बताऊं? फरमाया झूठ बोलना, या फरमाया झूठी गवाही देना। शोबा का कौल है मेरा जन्न गालिब यह है कि वो झूठी गवाही है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 261। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सात तबाह गुन गुनाहों से बचो। पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल वो कौन से हैं? फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क, जादू, जिस जान का कत्ल अल्लाह ने हराम ठहराया है उसे नाहक कत्ल करना, यतीम का माल खाना, सूद खाना, लड़ाई के दिन दुश्मन को पुश दिखाना यानी भाग जाना, और पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर इल्जाम तराशी करना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 262। यजीद बिन अब्दुल्ला इबन हाद ने साद बिन इब्राहिम से, उन्होंने हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी का अपने वालिदैन को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। सहाबा कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल क्या कोई आदमी अपने वालिदैन को गाली देता है? फरमाया हाँ, इंसान किसी के बाप को गाली देता है तो वो इसके बाप को गाली देता है, जब ये किसी की माँ को गाली देता है तो वो इसकी माँ को गाली देता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 263। शोबा और सुफियान ने भी साद बिन इब्राहिम से इसी सनद के साथ इसी तरह हदीस बयान की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 264। यहया बिन हमाद ने कहा हमें शोबा ने अबान बिन तागलिब से हदीस सुनाई, उन्होंने फुजैल बिन अम्र फुकैमी से, उन्होंने इब्राहिम नखाई से, उन्होंने अलकामा से, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल न होगा। एक आदमी ने कहा इंसान चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों और उसके जूते अच्छे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह खुद जमील है, वो जमाल को पसंद फरमाता है। तकब्बुर हक को कबूल न करना और लोगों को हकीर समझना है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 265।
आमश ने इब्राहिम नखाई से साबका सनद के साथ रिवायत की कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इंसान जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है आग में दाखिल न होगा, और कोई इंसान जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर है जन्नत में दाखिल न होगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 266। यहया के बजाय शौबा के एक और शागिर्द अबू दाऊद ने साबिका सनद के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल न होगा जिसके दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 267। अब्दुल्ला बिन नुमैर और वकीय ने आमश से, उन्होंने शकीक से, और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। वकीय ने कहा, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अब्दुल्ला बिन नुमैर ने कहा, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जो शख्स इस हालत में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ठहराता था वो आग में दाखिल होगा, और मैं यानी अब्दुल्ला ने कहा, जो इस हालत में मरा कि वो अल्लाह के साथ शिर्क न करता था वो जन्नत में दाखिल होगा। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 268। अबू सुफियान ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, वाजिब करने वाली दो बातें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक न करता हुआ मरा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो अल्लाह के साथ किसी चीज को ठहराते हुए मरा वो दोजख में दाखिल होगा। यानी तौहीद जन्नत को वाजिब कर देती है और शिर्क दोजख को। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 269। अबू अय्यूब गैलानी, सुलेमान बिन उबैदुल्ला और हज्जाज बिन शायर ने कहा, हमें अब्दुल मलिक बिन आमर ने हदीस सुनाई, उन्होंने कहा, हमें कुर्रा ने अबू जुबैर के वास्ते से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से हदीस सुनाई कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, जो कोई इस हालत में अल्लाह से मिले कि वो उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराता था वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो अल्लाह से इस हालत में मिला कि उसके साथ किसी चीज को शरीक ठहराता था वो आग में दाखिल होगा। अबू अय्यूब की हदीस के अल्फाज में अबू जुबैर ने हद्दसना जाबिर, जाबिर ने हमें हदीस सुनाई के बजाय अन जाबिर, जाबिर से रिवायत है कि अल्फाज से हदीस बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 270। कुर्रा के बजाय हिशाम ने अबू जुबैर के वास्ते से हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को हदीस सुनाई, बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे साबिका रिवायत के मानिंद है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 271। मारूर बिन सुवैद ने कहा, मैंने हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए और मुझे खुशखबरी दी कि आपकी उम्मत का जो फर्द इस हालत में मरेगा कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया वो जन्नत में दाखिल होगा। मैं यानी अबू जर ने कहा, चाहे उसने जिना किया हो और चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे उसने जिना किया हो और चोरी की हो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 272। अबू अस्वद दीली ने बयान किया कि हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु ने उससे हदीस बयान की कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आप एक सफेद कपड़ा ओढ़े हुए सो रहे थे, मैं फिर हाजिर खिदमत हुआ तो अभी आप सो रहे थे, मैं फिर तीसरी दफा आया तो आप बेदार हो चुके थे, मैं आपके पास बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा नहीं जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा
और फिर इसी पर मरा, मगर वो जन्नत में दाखिल होगा। मैंने पूछा, अगर जो उसने जिना किया हो और चोरी की हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर जो उसने जिना किया हो और चोरी की हो। मैंने फिर कहा, अगर जो उसने जिना किया हो और चोरी की हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जो उसने जिना किया हो और चोरी का इर्तिकाब किया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दफा यही जवाब दिया। फिर चौथी मर्तबा आपने फरमाया, चाहे अबू जर की नाक खाक आलूद हो। अबू अस्वद ने कहा, अबू जर रजी अल्लाह अन्हु आपकी मजलिस से निकले तो कहते जाते थे, चाहे अबू जर की नाक खाक आलूद हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 273। लईस ने इब्ने शिहाब ज़ुहरी से, उन्होंने अता बिन यजीद लईसी से रिवायत की कि मिक़दाद बिन अस्वद रजी अल्लाह अन्हु ने उबैदुल्ला बिन अदी बिन खियार को खबर दी कि उन्होंने अर्ज के, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए कि अगर काफिरों में से किसी शख्स से मेरा सामना हो, वो मुझसे जंग करे और मेरे एक हाथ पर तलवार की जर्ब लगाए और इसे काट डाले, फिर मुझसे बचाव के लिए किसी दरख्त की आड़ ले और कहे, मैंने अल्लाह के लिए इस्लाम कबूल कर लिया, तो ऐ अल्लाह के रसूल, क्या ये कलिमा कहने के बाद मैं उसे कत्ल कर दूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कत्ल न करो। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो वो तुम्हारे उस मकाम पर होगा जिस पर तुम उसे कत्ल करने से पहले थे, और तुम उस जगह होगे जहां वो कलिमा कहने से पहले था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 274। इमाम मुस्लिम रहमहुल्ला ने मामर, ओजाई और इब्ने जुरैज की अलग अलग सनदों के साथ ज़ुहरी से साबिका सनद के साथ रिवायत की। ओजाई और इब्ने जुरैज की रिवायत में लईस की साबिका हदीस की तरह असलम तो लिल्लाह यानी मैं अल्लाह के लिए इस्लाम ले आया के अल्फाज हैं, जबकि मामर की रिवायत में ये अल्फाज हैं, जब मैंने चाहा कि उसे कत्ल कर दूं तो उसने ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया, यानी दोनों का हासिल एक है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 275। यूनुस ने इब्ने शिहाब से खबर दी, उन्होंने कहा, मुझे अता बिन यजीद लईसी जुंदाई ने बयान किया कि उबैदुल्ला बिन आदि बिन खियार ने उसे खबर दी कि हजरत मिक़दाद बिन आमर इब्ने अस्वद किंदी रजी अल्लाह अन्हु ने, जो बनु जोहरा के हलीफ थे और उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ गज़वे बद्र में शिरकत की थी, अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, बताइए अगर काफिरों में से एक आदमी से मेरा सामना हो जाए। आगे ऐसे ही है जैसे लईस की रिवायत करदा साबिका हदीस है। अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, बताइए अगर काफिरों में से एक आदमी से मेरा सामना हो जाए। आगे ऐसे ही है जैसे लईस की रिवायत करदा साबिका हदीस है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 276। अबू बकर बिन अबी शैबा ने कहा, हमें अबू खालिद अहमर ने हदीस सुनाई और अबू कुरैब और इसहाक बिन इब्राहिम ने अबू मुआविया से, और उन दोनों यानी अबू मुआविया और अबू खालिद ने आमश से, उन्होंने अबू ज़ैबान से, और उन्होंने हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की। हदीस के अल्फाज इब्ने अबी शैबा के हैं, कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक छोटे लश्कर में जंग के लिए भेजा। हमने सुबह सुबह कबीले जुहैना की शाख और रुकात पर हमला किया। मैंने एक आदमी पर काबू पा लिया तो उसने ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया, लेकिन मैंने उसे नेजा मार दिया। इस बात से मेरे दिल में खटका पैदा हुआ तो मैंने इसका तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने ला इलाह इल्लल्लाह कहा और तुमने उसे कत्ल कर दिया? मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, उसने असलहे के डर से कलिमा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने उसका दिल चीर कर क्यों ना देख लिया ताकि तुम्हें मालूम हो जाता कि उसने दिल से कहा है या नहीं? फिर आप मेरे सामने मुसलसल ये बात दोहराते रहे, यहां तक कि मैंने तमन्ना की कि काश मैं आज ही इस्लाम लाया होता और इस्लाम लाने की वजह से उस कलिमा गो के कत्ल के अजीम गुनाह से बरी हो जाता। अबू ज़ैबान ने कहा, उस पर हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, और मैं अल्लाह की कसम किसी इस्लाम लाने वाले को कत्ल नहीं करूंगा जब तक ज़ुल्बुतैन यानी उसामा उसे कत्ल करने पर तैयार ना हो। अबू ज़बियान ने कहा,
उस पर एक आदमी कहने लगा, क्या अल्लाह का यह फरमान नहीं और उनसे जंग लड़ो हत्ता कि फितना बाकी ना रहे और दीन सारा अल्लाह का हो जाए। तो हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हम फितना खत्म करने की खातिर जंग लड़ते थे जबकि तुम और तुम्हारे साथी फितना बर्पा करने की खातिर लड़ना चाहते हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 277। हुसैन ने कहा, हमें अबू जबियान ने हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने उसामा बिन जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हुमा को हदीस बयान करते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जुहैना की शाख या आबादी उरुका की तरफ भेजा। हमने उन लोगों पर सुबह के वक्त हमला किया और उन्हें शिकस्त दे दी। जंग के दौरान में एक अंसारी और मैं उनमें से एक आदमी तक पहुंच गए। जब हमने उसे घेर लिया और वो हमले की जद में आ गया तो उसने ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया। उन्होंने कहा, अंसारी उस पर हमला करने से रुक गया और मैंने अपना नेजा मारकर उसे कत्ल कर दिया। उसामा रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि जब हम वापस आए तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। उस पर आपने मुझसे फरमाया, ऐ उसामा, क्या तूने उसके ला इलाह इल्लल्लाह कहने के बाद उसे कत्ल कर दिया? कहा, मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, वो तो इस कलिमे के जरिए से महज पनाह हासिल करना चाहता था। कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसे ला इलाह इल्लल्लाह कहने के बाद कत्ल कर दिया? हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप बार बार ये बात दोहराते रहे यहाँ तक कि मैंने आरजू की कि काश मैं आज के दिन से पहले मुसलमान न हुआ होता। सही मुस्लिम हदीस नंबर 278। सफवान बिन मुहरिस ने हदीस बयान की कि हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा ने फितने के जमाने में जुन्दब बिन अब्दुल्ला बजली रजी अल्लाह अन्हु ने असास बिन सुलामा को पैगाम भेजा और कहा, मेरे लिए अपने साथियों में एक नफरी यानी नफर 3 से 10 तक की जमात जमा करो ताकि मैं उनसे बात करूं। चुनाचे असास ने अपने उन साथियों की जानिब एक कासिद भेजा। जब वो जमा हो गए तो जुन्दब एक जर्द रंग की लंबी टोपी पहने हुए आए और कहा, जो बातें तुम कर रहे थे वो करते रहो। यहाँ तक कि बातचीत का दौर चल पड़ा। उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने सर से लंबी टोपी उतार दी और कहा, मैं तुम्हारे पास आया था और मेरा इरादा ये न था कि तुम्हें तुम्हारे नबी से कोई हदीस सुनाऊं, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का एक लश्कर मुशरिकीन की एक कौम की तरफ भेजा और उनका आमना सामना हुआ। मुशरिकों का एक आदमी था, वो जब मुसलमानों के किसी आदमी पर हमला करना चाहता तो उस पर हमला करता और उसे कत्ल कर देता। और मुसलमानों का एक आदमी था जो उस मुशरिक की बेदहानी का मुतलाशी था। जुन्दब बिन अब्दुल्ला ने कहा, हम एक दूसरे से कहते थे कि वो उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हुमा है। जब उनकी तलवार मारने की बारी आई तो उसने ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया, लेकिन उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। फतह की खुशखबरी देने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपने उससे हालात के मुतालिक पूछा। उसने आपको हालात बताए, हत्ता कि उस आदमी यानी हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु की खबर भी दे दी कि उन्होंने क्या किया। आपने उन्हें बुलाकर पूछा और फरमाया, तुमने उसे क्यों कत्ल किया? उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, उसने मुसलमानों को बहुत ईजा पहुंचाई थी और फुलां फुलां को कत्ल किया था। उन्होंने कुछ लोगों के नाम गिनवाए, फिर कहा, मैंने उस पर हमला किया, उसने जब तलवार देखी तो ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसे कत्ल कर दिया? उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जी हाँ। फरमाया, क़यामत के दिन जब ला इलाह इल्लल्लाह तुम्हारे सामने आएगा तो उसका क्या करोगे? उसामा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे लिए बख्शिश तलब कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम्हारे सामने कलीमा ला इलाह इल्लल्लाह आएगा तो उसका क्या करोगे? जुन्दब बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मजीद कोई बात नहीं कर रहे थे, यही कह रहे थे, क़यामत के दिन ला इलाह इल्लल्लाह तुम्हारे सामने आएगा तो उसका क्या करोगे? सही मुस्लिम हदीस नंबर 279। उबैदुल्ला और इमाम मालिक ने नाफिया से और उन्होंने इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे खिलाफ असलहा उठाया
वो हम में से नहीं है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 280। इयास बिन सलमा ने अपने वालिद से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हम पर तलवार सोंती वो हम में से नहीं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 281। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे खिलाफ असलाह उठाया वो हम में से नहीं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 282। सुहेल बिन अबी सालेह ने अपने वालिद अबू सालेह से, और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे खिलाफ हथियार उठाया वो हम में से नहीं, और जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 283। अला ने अपने वालिद अब्दुल रहमान बिन याकूब से, और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ले की एक ढेरी के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसमें दाखिल किया, आपकी उंगलियों ने नमी महसूस की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गल्ले के मालिक ये क्या है? उसने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, इस पर बारिश पड़ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुमने इसे भीगे हुए गल्ले को ऊपर क्यों ना रखा ताकि लोग इसे देख लेते, जिसने धोखा दिया वो मुझसे नहीं, उन लोगों में से नहीं जिन्हें मेरे साथ वाबस्ता होने का शरफ हासिल है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 284। यहया बिन यहया और अबू बकर बिन अबी शैबा ने कहा, हमें अबू मुआविया और वकीअ ने हदीस बयान की। नीज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्ने नुमैर ने कहा, हमें मेरे वालिद ने हदीस बयान की। उन सब यानी अबू मुआविया, वकीअ और इब्ने नुमैर ने आमश से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुर्रा से, उन्होंने मसरूक से, और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रुखसार पीटे या गिरिबान जा किया या अहले जाहिलियत की तरह पुकारा वो हम में से नहीं। ये यहया की हदीस है जो उन्होंने अबू मुआविया के वास्ते से बयान की। अलबत्ता मोहम्मद बिन नुमैर और अबू बकर बिन अबी शैबा, जिन्होंने अबू मुआविया और वकी दोनों से रिवायत की, उन्होंने औ के बजाय अलिफ के बगैर वा यानी या के बजाय और कहा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 285। जरीर और ईसा ने आमस से इसी साबिका सनद के साथ रिवायत की, और दोनों ने कहा, और गिरिबान जा किया और पुकारा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 286। कासिम बिन मुखैमिरा ने बयान किया कि मुझे अबू बुर्दा बिन अबी मूसा अशारी ने बयान किया। उन्होंने फरमाया, हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया। उन्होंने फरमाया, हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु ऐसे शदीद बीमार हो गए कि उन पर गशी तारी हो गई। उनका सर उनके अहले खाना में से एक औरत की गोद में था। उस मौके पर उनके अहल में से एक औरत चीखने लगी। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु शरीर कमजोरी की वजह से उसे कोई जवाब न दे सके। जब इफाका हुआ तो कहने लगे, मैं उस बात से बरी हूं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का इजहार फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिल्लाकर मातम करने वाली, सर मुंडाने वाली और गिरेबान चाक करने वाली औरतों से ला ताल्लुकी का इजहार फरमाया था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 287। अबू साखरा ने अब्दुर्रहमान बिन यजीद और अबू बुर्दा बिन अबी मूसा से हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में जिक्र किया। उन दोनों ने कहा, हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु पर गशी तारी हुई और उनकी बीवी उम्मे अब्दुल्ला चीखते हुए रोने की आवाजें निकालती आईं। कहा, फिर उन्हें इफाका हुआ तो उसे हदीस सुनाते हुए बोले, क्या तू नहीं जानती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा मैं उससे बरी हूं जो गम के इजहार के लिए सर मुंडे, चीखे चिल्लाए और कपड़े फाड़े। सही मुस्लिम हदीस नंबर 288। इमाम मुस्लिम रहमहुल्ला ने तीन दीगर सनदों से
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت بیان کی، جن میں عیاض اشعری نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور باقی دو سندوں میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے صفوان بن محرس اور ربعی بن حراش ہیں، جبکہ عیاض اشعری کی حدیث میں بری ہوں کے بجائے ہم میں سے نہیں کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 289۔ ابو وائل نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی لوگوں کی باہمی بات چیت کی چغلی کھاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 290۔ منصور نے ابراہیم سے اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچاتا تھا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا یہ ان میں سے ہے جو باتیں حاکم تک پہنچاتے ہیں۔ حمام نے کہا، وہ شخص آیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 291۔ اعمش نے ابراہیم سے اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص لوگوں کی باتیں حکمران تک پہنچاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے سنانے کی غرض سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 292۔ ابو زرعہ سے، خراشہ بن حر سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اسے تین دفعہ پڑھا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ناکام ہو گئے اور نقصان سے دوچار ہوئے، اے اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنے سامان کی مانگ بڑھانے والا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 293۔ سفیان نے کہا ہمیں سلیمان اعمش نے سلیمان بن موسر سے حدیث سنائی، انہوں نے خارشہ بن حور سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، منان یعنی جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے، اور جو اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 294۔ سفیان کے بجائے شعبہ نے سلیمان بن اعمش سے یہی روایت انہی کی سند سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 295۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو معاویہ اور وقی یعنی اعمش سے، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا۔ ابو معاویہ نے کہا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا عیالدار محتاج۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 296۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور یہ الفاظ ابو بکر کی حدیث کے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں،
जिनसे क्यामत के दिन अल्लाह ताला बात नहीं करेगा, न उनकी तरफ देखेगा और न उन्हें पाक साफ करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। एक वो आदमी जो बियाबान में जरूरत से जायद पानी रखता है लेकिन वो मुसाफिर को उससे रोकता है। दूसरा वो जिसने किसी आदमी के साथ असर के बाद यानी ऐन इंसानों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाने के वक्त सामान का सौदा किया और अल्लाह की कसम खाई कि मैंने ये सामान इतनी रकम में लिया है जबकि उसने उतने का नहीं लिया और खरीदार उसकी बात मान लेता है। और तीसरा वो आदमी जिसने हुक्मरान की बैत की और सिर्फ दुनिया के लिए की, दीन की सरबुलंदी मकसूद न थी। अगर उसने उसे उस दुनिया में से कुछ दे दिया तो उसने वफा की और अगर नहीं दिया तो वफादार न रहा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 297। जरीर और अबसर दोनों ने अपनी अपनी सनद से आमश से मजकूरा बाला रिवायत बयान की। अलबत्ता जरीर की रिवायत में सौदा किया के बजाय ये अल्फाज हैं, एक आदमी जिसने दूसरे आदमी के साथ सामान का भाव किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 298। अमर ने अबू साले से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने यानी अबू साले ने कहा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने यानी अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने यह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रिवायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन किस्म के लोग हैं जिनसे अल्लाह बात करेगा, न उनकी तरफ देखेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। एक आदमी जिसने असर के बाद मुसलमान के माल के लिए कसम उठाई और उसका हक मार लिया। हदीस का बाकी हिस्सा आमश की हदीस जैसा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 299। वकीय ने आमश से, उन्होंने अबू साले से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने आप को लोहे के हथियार से कत्ल किया तो वो हथियार उसके हाथ में होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में रहेगा, उसे अपने पेट में घूमता रहेगा। जिसने जहर पीकर खुदकुशी की वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में उसे घूंट घूंट पीता रहेगा, और जिसने अपने आप को पहाड़ से गिराकर खुदकुशी की वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में पहाड़ से गिरता रहेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 300।